गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप भी अपने गार्डन में मस्त और व्यस्त होंगे। आज मैं आपके साथ संडे वीडियो अपडेट शेयर करूंगी। आज ये भी दिखाऊंगी मैं अपने अपने गमलों को किस तरह से पेंट कर दी हूँ, क्योंकि आज यहाँ पे सुबह से बारिश हो रही है और मौसम थोड़ा सा ठंडा है, राहत है मौसम में। और देख सकते कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है हमारे प्लांट में, और कुछ कुछ पॉट्स में कलर करती हूँ और कुछ अभी बाकी है, धीरे धीरे ही करते हैं क्योंकि घर का भी काम होता है और ये भी है, तो इसलिए धीरे धीरे बच्चे भी कर रहे हैं मिलके और हम भी कर रहे हैं। ये देखिए हमारा ये फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से हो रहा है। इसमें ये जो थोड़े थोड़े से पानी रह जाते हैं इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। और अभी आप नेक्स्ट सीजन के लिए जो भी सीड्स बन रहे हैं उसे आप कलेक्ट करके भी रख सकते हैं, क्योंकि फिर इन गर्मियों का जो सीज़न होता है इसमें अच्छे से सीड्स सूख जाते हैं, फिर उसके बाद बरसात आ जाते हैं और थोड़ा उसमें मॉइस्चर होने के कारण उसमें वो फिर वो सीड्स ख़राब होने लगते हैं। इसलिए जो भी सीड्स जो ब्लैक से हो जा रहे हैं उनको आप अभी कलेक्ट करके रख सकते हैं। मैंने इस तरह से 2-3 सीड्स प्लांट के कलेक्ट करके रख रही हूँ। ये देखिए हमारा यहाँ पे है, देखिए भिंडी के कितने अच्छे फ्लावर आए हैं और ये कॉस्मोस में भी आने लगे हैं, शुरू होने लगी हैं फ्लावरें। और यहाँ पे पूरे में यहाँ पे कॉस्मोस लगाए हुए हैं। कुछ इस तरह से हम सीड्स भी इकट्ठे कर रहे हैं। ये हमारा सनफ्लावर्स के सीड हैं जो कि इस तरह से छोटी छोटी जो कपूर की डिबिया आती हैं उनमें रख दे रही हूँ। जो भी हमारे पास वेस्ट डिब्बे आते हैं उनमें ये सनफ्लावर्स के सीड्स है जो कि, और ये विनका के हैं, ये रेड है, रेड विनका का सीड्स है और ये पिंक कलर का है सीड्स। इस तरह से हम सीड के डिब्बे को नाम और कलर दे देंगे तो हमें नेक्स्ट सीजन आसान रहेगा उसे लगाना। यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से तितलियाँ आ रही हैं हमारे गार्डन में और कितना एंजॉय कर रही हैं वो, कभी सब्जियों पे कभी फूलों पे। तो इस तरह से वो बहुत ही अच्छे से हमारे गार्डन में बहुत सारी बटरफ्लाई आ रहे हैं। और ये हमारे हिबिस्कस में इतने ज़्यादा ब्लूमिंग आए हुए हैं, इनकी भी टहनियाँ कुछ आज मैंने कटिंग की हूँ। और यहाँ पे है हमारा कुछ भिंडी के जो पौधे थे वो हो रहे हैं, और फिर से हमारा इस बार साग बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया। और हम अपने करेले की अपडेट तो आपको दिए ही नहीं कि इसमें कितने अच्छे से करेले लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें हार्वेस्टिंग हमने 2-3 बार कर ली हूँ, जिससे कि एक बार में 1-2 किलो निकल जाते हैं और बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक हमें वेजिटेबल्स घर में ही मिल जा रहे हैं। कुछ पॉट्स को मैंने यहाँ पे भी इस तरह से पेंट कर दी हूँ। ये पेंट हमारे घर में ही था, काफ़ी पुराना पेंट है इसलिए हमने बाकी काफ़ी टाइम से रखा हुआ था तो हमने कलर करना शुरू कर दिया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसमें हमारा कॉस्मोस में देख सकते हैं, सॉरी मॉश रोज, जो कि बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। यहाँ पे आ जाइए तो मेरा ये देखिए एक वाइट कलर के कॉस्मोस का है जो बहुत ही प्यारा सा कलर आया है, लेमन कलर का है ये। और इसकी भी छोटी सी कटिंग से इतने सारे बनाई हूँ मैं, अभी इसका मेरे एक ही पौधा है। और रेड कलर का मैं ढूंढ रही हूँ पर मुझे मिल नहीं रहा, जो मुझे इस बार मिला मैं वही लेकर आई हूँ इस बार। और यहाँ पर है रेड कलर का मेरा डेंटस जो कि ये फिर से तीसरी बार ब्लूमिंग स्टार्ट हो गया इसमें जो पिंचिंग करने के बाद। और यहाँ पे है हमारा ये भी पिंचिंग करने के बाद ये भी इसमें भी फ्लावरिंग होना शुरू हो गया है, अभी बारिश की वजह से इन फ्लावरों में पानी सा जम सा रहा है इसलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी है।
और जिनिया में अभी सबसे ज़्यादा अभी वर्क कर सकते हैं कि जो भी उनके फ्लावर स्पेंड हो जाए तो उन्हें आप अच्छे से ड्राई करने के बाद आप मिट्टी में डाल देंगे तो फिर से वो पौधा आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर से फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगा। हमने जो प्लांट अभी परचेस की थी तो उसका जो सीड्स हमें मिले थे उसी से हमने ये फिर से प्लांट ग्रो कर ली हूँ, और देखिए अब कुछ टाइम में इनमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि अब इनमें कलियाँ आना शुरू हो रही हैं। ये देखिए सारे जीनिया के जो प्लांट्स हैं सारे में बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे अब कुछ टाइम में। ये हमारा यहाँ पे है रेड विन का, और यहाँ पे भी है हमारा पिंक विन का। इस तरह से अभी तो विन का से हमारा पूरा गार्डन बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप चाहे तो पूरे आप कोई भी फ्लावर ना लगाएं, अगर अभी आप विन का लगाएं हो अपने गार्डन में तो बहुत ही अच्छे से खूबसूरती बिखेर देगा आपके गार्डन में। और मैं जब भी अपने गार्डन में आती हूँ शेयर करने तब उनमें जो भी ड्राई लीव्स या फिर सूखे पत्ते वगैरह दिखते हैं मुझे तो मैं उन्हें हटाते रहती हूँ, और इस तरह से इनमें सीड्स भी बनने लगते हैं तो उन्हें भी मैं कलेक्ट करते रहती हूँ। तो जितना हो सके आप अपने प्लांट को डीपली केयर किया कीजिए, सिर्फ वाटरिंग करना और गुड़ाई करना और खाद देना ही हमारा प्लांट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं हम, क्योंकि जब तक उनको हम अच्छे से इस तरह से देखते नहीं हैं तब हमें पता ही नहीं चलता कि उसमें कौन कौन सी बीमारियां लग रही हैं या फिर क्या सीड्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है प्लांट तो ऊपर से बहुत ही अच्छे से दिखता है, कभी स्टीम में भी प्रॉब्लम आ जाती हैं तो वो हमें चेक करते रहना चाहिए, नहीं तो इस तरह से कभी भी हमारा प्लांट डैमेज हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इनको इस तरह से हिला के अपने प्लांट को देखना पड़ता है। और ये देखिए ये हमने जो कटिंग्स लगाई थी विनका के जो प्लांट्स वो कितने जल्दी ग्रो हो गए हैं, कटिंग से बहुत ही जल्दी विनका भी ग्रो हो जाएगा। आपका अगर कोई भी प्लांट ख़राब हो रहा है तो उसकी छोटी सी कटिंग कहीं पे भी आप उसको डीपली इस तरह से अरेंज करके रख दीजिए और छोटे छोटे से, और उसको कुछ टाइम के लिए सैडी एरिया में रखिए और उसके बाद उसमें देखिएगा बहुत जल्द रूट डेवलप हो जाएंगे और वो एक नया प्लांट बन जाएगा और वो आपके पास कलर आपके गार्डन में फिर से ऐड हो जाएंगे। क्योंकि अभी बारिश हो रहे हैं कभी धूप हो रहे हैं तो विनका में थोड़ा ज़्यादा असर होता है और विनका बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है, इसलिए आप उनकी छोटी छोटी जो कटिंग होती हैं जो ख़राब होने लगे पौधे तो उनकी कटिंग आप लगा दोगे तो बहुत ही अच्छा। यहाँ पे मेरे कुछ कटिंग से लगाए हुए जो सीजनल प्लांट्स हैं वो चल रहे हैं, इसमें भी देखिए मैंने ये सब कटिंग से लगाई हूँ और बहुत ही अच्छे से मेरा ग्रो हो रहा है। अभी भी स्ट्रॉबेरी आ रहे हैं हमारे और पौध भी। यहाँ पे हैं हमारे ये मनी प्लांट जो कि मटकी में लगा हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसे हैंग करने के लिए मेरे पास कुछ अभी अरेंज नहीं की हूँ, इसे जब ये लेंथी से थोड़ा होने लगेगा तो इनको मैं हैंग करूँगी। और ये है हमारे डेंटस, इनको आप जितना आप इसकी पिंचिंग करोगे तो उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगा, पिंचिंग करना ना भूलें। यहाँ पे हैं हमारे बोगनविलिया जो कि अभी इसमें जो हमारा ये पुराना ही पौधा था इसमें भी अभी फ्लावरिंग आना अभी बाकी है क्योंकि ये प्लांट बहुत मुश्किल से बचा है। मैंने इसको बहुत ही अलग जगह में रख दी थी तो प्लांट हमारा ये ख़राब सा हो गया था, तो फिर मैंने इसको एक अलग से पॉट में लगाई हूँ और इसको भी पॉट को कलर कर दी हूँ और बहुत ही अच्छे से ये चल रहा है। ये है हमारा बोगनविलिया जो कि देख रहे हैं कितना प्यारा सा कलर है और काफ़ी बंचेस में आए हुए हैं, बहुत ही प्यारा और बूसी सा लगता है हमारा ये बोगनविलिया। और यहाँ पर है हमारा सारे सदाबहार के पौध और ये सारे हमारे पर्सलिन का है और मोश रोज जो भी है ये बहुत ही अच्छे से अभी खिले हुए हैं। इनको देख के अभी तो मन खुश हो जाता है, बहुत ही प्यारा खिलते हैं ये। और
आप अपने गार्डन में ये वाले फ्लावर तो ज़रूर ऐड कीजिए, ये देसी वैरायटी के होते हैं और ये बहुत ही इजी टू ग्रो है, बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग होते हैं। और आप इसमें देख रहे हैं कितने ज़्यादा हनी बीज आ रहे हैं और हनी बीज के वजह से फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा निखर के आ रहे हैं। ये देखिए इस तरह से मल्टी कलर होते हैं इनके, पिंक में, येलो में, तो बहुत सारे आप इनके कलर ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अभी का नर्सरी में बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो आपके पास कलर ना हो तो आप अभी ले आकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। ये है मेरे जो छत पे लगाई हूँ मैं, मेरे जो ये भिंडी के जो पौधे, इसमें भी बहुत ज़्यादा भिंडी हार्वेस्टिंग कर ली हूँ मैं, कम से कम डेली 4-5 भिंडी हमारे ऊपर से ये ग्रो बैग में लगा हुआ है और बहुत ही इजी लग जाता है। इसमें मैंने एक छोटी सी पौध लगाई थी बैगन की, वो भी लग गई हैं और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। यहाँ पे हमारे मिर्च के पौधे हैं जो ग्रो बैग में लगे हैं, ये भी फ्लावरिंग होना शुरू हो गया है। और ये है हमारा फिर से साग का, जो कि बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और यहाँ पर है हमारे स्ट्रॉबेरी, देख सकते हैं कितने अच्छे से वूसी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। इनमें भी अब प्लांटिंग शुरू हो जाएंगी, इनके भी रनर्स से निकलना शुरू हो रहे हैं, तो जितना हो सके रनर्स को आप, ये देखिए कितने मीठे से स्ट्रॉबेरी हैं, थोड़े से सड़ गए हैं लेकिन ये चिड़िया के काम आ जाएंगे। अभी गर्मी के मौसम में चिड़िया लोग को ही अभी ये स्ट्रॉबेरी खाने को मिलता है, क्योंकि हम तो छत पर ज़्यादा तक आते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ये सारे इनके काम आते हैं और इस तरह से वो मीठे मीठे फल का आनंद लेते हैं। तो फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और आप भी नए नए प्लांट ऐड करते रहिए गार्डन में। ओके फ्रेंड बाय, फिर मिलूँगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।